महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर शिवसेना और एनसीपी में सहमति के बीच शिवसेना के अरविंद सावंत ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अब इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर पर उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वहीं अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों से यह भी खबर है कि आज ही संजय राउत सोनिया गांधी से मिलने जाएंगे। वहीं कल देर रात तक उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में शिवसेना के नेताओं की बैठक चलती रही और ये करीब 3 घंटे तक चली। लेकिन अरविंद सावंत के इस्तीफे को लेकर जो खबर आ रही थी, खुद उन्होंने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। शिवसेना का पक्ष सच्चाई कर रहा है, झूठे माहौल में दिल्ली सरकार के साथ मैं क्यों रहूं, ये ट्वीट किया अरविंद सावंत ने, जो शिवसेना कोटे से केंद्र में मंत्री है। लेकिन अब उन्होंने इस्तीफे की बात कही है। सुबह 11 बजे दिल्ली में इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में अब नए राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो सरकार नहीं बनाने जा रही। खुद मुख्यमंत्री जो रहे उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। कई आरोप भी उन्होंने शिवसेना पर लगाए, जिसके बाद शिवसेना की तरफ से भी तीखी बयानबाजी लगातार होती रही रिजल्ट्स के बाद से ही। लेकिन अब यहां पर ये नया समीकरण जो सूत्रों से समझ में आ रहा है, जो जानकारी हमें मिल रही है कि एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस इसमें साथ देगी, बाहर से समर्थन करेगी कांग्रेस, ये बड़ी खबर। और आज इसे लेकर संजय राउत सोनिया गांधी से मुलाकात भी करेंगे, सूत्र ये भी बता रहे हैं। यानी कि आज शाम तक ये स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। 7:30 बजे दावा पेश करेगी शिवसेना सरकार बनाने का महाराष्ट्र। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो सहयोगी नित्यानंद मेरे साथ जुड़ गए, साथ ही संजय सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह, सबसे बड़ी खबर अपडेट तो यही मिल रहा है कि अरविंद सावंत, जिनके इस्तीफे को लेकर कहा जा रहा था कि इस्तीफा देंगे, अब उन्होंने खुद ही ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की है। जी बिल्कुल, अरविंद सावंत मुंबई के दक्षिण मुंबई इलाके से सांसद हैं, चुने गए थे शिवसेना के टिकट पे और शिवसेना बीजेपी ने जब साथ मिलकर चुनाव लड़ा था उस पर, उसके बाद से केंद्र सरकार में मंत्री थे और उनके इस्तीफे देने के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि कल ही एनसीपी ने भी अपनी ओर से बयान दिया था कि अगर शिवसेना को सपोर्ट चाहिए सरकार बनाना है तो उसे सबसे पहले भाजपा के साथ जो तमाम संबंध है वो तोड़ने होंगे। लेकिन जब एक तरफ शिवसेना राज्य के अंदर बीजेपी के खिलाफ जा रही है और दूसरी तरफ केंद्र में उसका मंत्री हो, अजीब सा लग रहा था, तो तब से कयास लगाए जा रहे थे। और अब से ठीक आधे घंटे पहले अरविंद सावंत ने ट्वीट करके अपने इस्तीफे देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले ही तय हो चुका था कि 50-50 डिवाइड होगा, लेकिन उसके बावजूद ये माना नहीं गया बीजेपी द्वारा और साथ ही शिवसेना को झूठा ठहराने की कोशिश की गई, जो काफ़ी धक्कादायक है। और इसी वजह से मैं इस्तीफा दूंगा और 11 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अनकोट, ये उनका एक्चुअली आज का ट्वीट था। और उसके बाद से हलचल हो गई कि एक दोनों की तरफ से एक एक कदम एक दूसरे से और दूर जाने का, इसे दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला कदम ये कि एनसीपी के साथ में तालमेल के तौर पर, कांग्रेस के साथ तालमेल की तरफ शिवसेना ने एक कदम और बढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भाजपा के लिए की आर्म ट्विस्टिंग की एक आखिरी कोशिश है, क्योंकि आज सुबह 11 बजे इस घटनाक्रम के बाद सुबह 11 बजे देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर एक मीटिंग करेंगे बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ, और ऐसे में बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल संजय राउत है, वो आज जाने की उनकी खबर है, लेकिन फिलहाल वो अभी अपने मुंबई के घर पर ही बताए जाते हैं। हमारे सहयोगी नित्यानंद शर्मा वहां मौजूद है और पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गलत माहौल में दिल्ली सरकार के साथ क्यों रहूं दिल्ली में, ये बड़ी बात कहते हुए अरविंद सावंत ने इस्तीफे का जिक्र कर दिया है।